साथियों नमस्कार, हमारे साथ में मयंक हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से आए थे अपना इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली में, और अभी वो इंटरव्यू देकर के आए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ। मयंक, आपका स्वागत है। आप कितने बजे आए थे इंटरव्यू देने के लिए? सर, हम सुबह ही आ गए थे 6 बजे। अच्छा, आप यहाँ 6 बजे पहुँच गए थे। रिपोर्टिंग टाइम क्या था आपका? 7:30 बजे था सर। तो आते ही आपकी एंट्री हो गई थी? नहीं सर, एंट्री हुई थी लगभग 8:30 पे, यानी कि आने के बाद में 7:30 बजे से यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुई और फिर 1 घंटे के बाद में इनकी यहाँ पर एंट्री होती है। तो 8:30 बजे जब आपकी एंट्री हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ? सर, सबसे पहले उन्होंने वेरिफिकेशन किया कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो सही है या नहीं है। हाँ। फिर वेरीफाई के बाद अंदर गए हैं, वहाँ पर वेरिफिकेशन रूम में उन्होंने बिठाया, फिर वेरिफिकेशन हुआ एंड उसके 5 मिनट बाद ही हमारा डेमो इंटरव्यू के लिए हमें ले गए रूम में। और मेरे से पहले एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे थे, उनके बाद ठीक बाद मेरा नंबर है। तो आपने अंदर जाने के लिए उनसे पूछा या फिर बाहर से कह दिया कि आप सीधा अंदर चले जाएं? कैसा क्या था? पियोन ने कहा आप अंदर चले जाएं, तो मैंने उनसे परमिशन ली, सर मैं आई कमीन। हाँ। उन्होंने कहा आइए, फिर उन्होंने सीट पर बैठने के लिए कहा, सिट डाउन प्लीज। तो हम बैठे। कितने बोर्ड मेंबर्स थे वहाँ पे? सर 4। अच्छा, 4 मेंबर थे सर, 2 सर थे और 2 मैम्स थे। ओके, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें महिला और पुरुष दोनों हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आपका जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? सर, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने बायो में जो लिखा था उसमें से पूछा, मैंने एक लाइन लिखी थी सस्टेनेबल लर्निंग। तो उन्होंने पूछा सस्टेनेबल लर्निंग तो हम पता होगा आपको, ये बताइए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों में कैसे लाएंगे। अच्छा, यानी कि जो आपने लिखा हुआ था उससे अलग उसी से रिलेटेड आपसे पूछ लिया। उसके बाद में? उसके बाद में मैम ने पूछा दूसरी मैम ने कि इंक्लूसिव एजुकेशन आप अपनी क्लास में कैसे बनाएंगे। और उसी के बाद फिर उन्होंने पूछा कि इससे ही मिलता जुलता एक कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन जी, उससे आप क्या समझते हैं वो बताइए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहले आई थी या इंक्लूसिव एजुकेशन पहले आई थी, ये प्रश्न हम भी आपसे पूछ रहे हैं। कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। मैं और क्या आपसे पूछा गया? और सर, मैंने BSc की थी तो उन्होंने साइंस रिलेटेड कि आप साइंस से हैं तो बताइए आप बच्चों में साइंटिफिक, मतलब छोटे बच्चों में आप साइंस के बारे में उन्हें क्या बता सकते हैं? साइंटिफिक टेंपर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह का साइंटिफिक टेंपर उनके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे? और उन्होंने पूछा और मैंने जो डेमो दिया, फिर डेमो के लिए कहा, डेमो के लिए उन्होंने कोई टॉपिक दिया? सर, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा आप अपना हमें डेमो करके दिखा दीजिए। तो कौन सा टॉपिक आपका? सर, मैंने हिंदी का टॉपिक लिया था, पोएम है मन के भोले बादल, मैंने वो पोएम करके दिखाई उन्हें। पहले मैंने अच्छे से बच्चों को उनकी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर पूछा सवाल कि आपने बादल देखे हैं किस तरह के होते हैं, कि आपने उनमें अलग अलग शेप्स देखे हैं, इस तरह से मैंने फिर पोएम सुनाई। सर, असल में मैं पोएम बीच में भूल गया था। अच्छा। उन्होंने कहा चलो अच्छा है, फिर उन्होंने बिठा दिया। फिर उन्होंने आगे पूछे कि जैसे आपने बादल पढ़ाए हैं तो बादल के बारे में आप बच्चों को और क्या बता सकते हैं? तो मैंने कहा कि मैम बादल हम बता सकते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, वाटर वेपर से बनते हैं। और उन्होंने बताया आप ये कंसेप्ट उन्हें समझाएंगे कैसे, छोटे बच्चे हैं उन्हें तो पता नहीं होगा। हाँ। तो मैंने कहा मैम उन्हें हम कहानी और एक्टिविटी के थ्रू समझा सकते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बच्चे जो हैं वो बादल को किस तरह से देखते हैं, बादल उन्हें क्या दिखाई देते हैं? मैंने कहा मैम वो कह सकते हैं कि बादल धुआं हो सकता है या कह सकते हैं कि बादल रुई की तरह दिखाई देते हैं। और मैंने फिर ये कहा कि मैम बच्चे भी कह सकते हैं कि कभी कभी वो रुई काली भी हो सकती है और कभी कभी ऐसा होगा कि आसमान में कोई रुई ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा वेरी गुड। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, सर ने पूछा था AI के बारे में। अच्छा, AI के बारे में, AI के बारे में। तो AI से भी प्रश्न पूछा गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस वक्त आप सबको पता होनी चाहिए उनमें से एक AI का कॉन्सेप्ट भी है। तो किस तरीके से क्या पूछा गया? उन्होंने AI को पूछा कि AI के बारे में आप जानते हैं? तो मैंने बताया सर ये AI होती है उसके बारे में। तो उन्होंने पूछा कि AI को आप एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप AI से क्या 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 आप बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे कैसे, ये पूछा उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि हम AI के थ्रू इस तरह से एक्टिविटी को डिज़ाइन करने में वो हेल्प कर सकती है जिससे बच्चों के लिए लर्निंग और भी ज़्यादा इंगेजिंग और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके। इसके बाद भी कुछ आपसे पूछा गया? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा मुझसे सर। फिर एंडिंग किस तरह से हुई इंटरव्यू की? उन्होंने कहा ठीक है मैं वेरी गुड। और फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको, मतलब आपकी अगर जॉब लग जाती है तो आप हमें एश्योर कर सकते हैं कि आप अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से आप टीचिंग करेंगे, ये पूछा था उन्होंने। मैंने कहा यस सर आई विल एश्योर यू।
आई विल डू माई बेस्ट। उन्होंने कहा थैंक यू मैम एंड आई एम बैक। चलिए, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जितना हम डर रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल सही क्वेश्चन पूछते हैं वो, और अगर आप बता भी नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनसे कहती है सर मैं अवेयर नहीं इस बारे में, एंड वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर आपको कितना समय मिला, आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला लगभग? सर मेरे पास वॉच तक नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, लेकिन मेरे से जो पहले वाला कैंडिडेट थे उनका पूरा हाफ आवर इंटरव्यू चला। अच्छा अच्छा, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैंक, थैंक यू सर।